ये है टाटा हैरियर एडवेंचर प्लस का सी वुड ग्रीन कलर। एंड आज मैं आया हूँ टूनो टाटा मायापुरी में यही जानने के लिए किसके कलर और इसके इंटीरियर के अलावा और भी कोई चेंजेस करे गए हैं यानी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू। शुरू करने से पहले अगर मैं इस टाटा हैरियर एडवेंचर प्लस के प्राइसिंग की बात करता हूँ, सबको 23,09,000 रुपये एक शॉप न्यूडेली मिल जाती है। इवन टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, सबको यहाँ पे भी टॉप मॉडल वाली ही चाबी मिलेगी। फ्रंट में कुछ बहुत ही प्यारी स्लीक सी ग्रिल मिल जाती है। एंड दिस कार डज कम विद द 8-level 2 द फ्रंट सेंसर एंड द 360 डिग्री कैमरा एट द सेम टाइम। योर 14 DLR आर ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। अगर इस गाड़ी में साइड की ओर चलता हूँ एंड इफ टॉक अबाउट द टायर, सो द टायर्स आर द 18 inches एंड द टायर साइज 235/60R18। आपको यहाँ पे भी हाई की बैजिंग मिल जाती है और आपको यहाँ पे कैमरा भी दे दिया गया है। इफ आई टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ दिस कार, सो आपको इसके में 4600mm की लेंथ मिल जाती है। द हाइट इज 1711mm एंड अगेन जो इसका व्हील बेस है वो 2741 मीटर का आपको इस गाड़ी में दे दिया गया है। यहाँ पे भी आपको किसी भी तरीके की क्रोम वाली फीलिंग नहीं मिलेगी। बट अगेन दिस कार लुक्स वेरी वेरी कूल इन द सी वुड ग्रीन कलर। योर 50 ईयर्स बैजिंग इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर। जिस इस गाड़ी के मैं रियर की ओर चलता हूँ, रियर से दिस कार लुक्स वेरी वेरी बल्की एंड वेरी वेरी कूल एट द सेम टाइम। आपको यहाँ पे कैमरा सेंसर्स भी दे दिए गए हैं एंड अगेन दिस कार डस कम विद द रियर डिफॉगर एंड अ वाइपर एंड आपको यहाँ पे एक टाइगर फैमिली बनी हुई मिल जाएगी। दिस कार ऑल्सो हैज द शार्क फिन एंटीना एंड इफ टॉक अबाउट द बूट ऑफ दिस कार, सो बूट खोलने पर इस गाड़ी का ये अलार्म भी बच जाता है विच इज़ अ वेरी वेरी कूल थिंग। द सीट्स जस्ट स्प्लिट इन द 60-40 रेशियो एंड द बूट स्पेस इज 445 लीटर। आपको यहाँ पे एक पास ट्री मिल जाती है, एक वूफर मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की लाइट मिलती हुई नहीं दिखेगी। जो इसका स्पेस सेवर टायर है वो यहाँ नीचे की ओर लोकेटेड है, इफ़ यू कैन सी इट। इफ आई नाउ टॉक अबाउट द रियर सीट ऑफ दिस कार एंड आई ओपन द डोर, द डोर अगेन ओपन डिसेंटली वाइड एनफ एंड इट इज ह्यूमंगस इनसाइड। आपको यहाँ रिफ्लेक्टर के अंदर लाइट भी मिल जाती है विच इज अ वेरी वेरी कूल थिंग। एंड जो डोर पैनल के अंदर आपको टैन एंड ब्लैक का इंटीरियर दिया गया है, इट इज़ अ वेरी वेरी कूल कॉन्ट्रास्ट। आपको यहाँ पे ब्लाइंड्स भी दे दिए गए हैं सो डैट यू कैन हाइड आउट सम स्टफ इफ यू वॉन्ट। इफ टॉक अबाउट द रियर सीट्स ऑफ दिस कार, आपको यहाँ पे 2 adjustable हेडरेस्ट अगेन मिल जाते हैं एंड आपको इस लेदर के अंदर भी ब्राउन स्टिचिंग दी गई है। सो द अटेंशन टू डिटेल इज जस्ट अमेजिंग विद द टाटा हैरियर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द आर्मरेस्ट, आपको इसके अंदर 2 cup holders भी दे दिए गए हैं एंड द हम्प इज डिसेंट इन साइज। आपको यहाँ पे USB-C type एंड USB-A type का भी सॉकेट मिल जाता है एंड द सीट्स आर स्कूप्ड आउट एंड आपको यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर भी दिया गया है। अगेन जो इसके वेंट्स हैं वो यहाँ पे पिलर माउंटेड है विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। जिस इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड क्लोज द डोर, द डोर क्लोज विद द एंड इट विल ऑल्सो टेल यू दैट योर टेल गेट इज ओपन एंड द कार डस कम विद द वेरी कूल वॉइस असिस्ट विच आई रियली लव। द विंडोज आर वेरी वेरी बिग एंड जिसकी पैनोरामिक रूफ है उससे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लेट बन जाती है। द इंटीरियर इज ऑन द डार्कर साइड बट आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस ओवर हियर एंड आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। मुझे यहाँ पे एक लाइट भी मिल जाती है अलॉन्ग विद द हुक ओवर हेयर टू। एंड अगेन टाटा ने जो इसके इंटीरियर में इतना प्यारा काम किया है ना, आई लिटरली आई एम स्पीचलेस। थोड़ी बहुत दिक्कत इस गाड़ी में है मैकेनिकल वाइज टेक वाइज, बट अगेन वो महिंद्रा के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम है। ज़रा चले चलते हैं हम इस गाड़ी के इंटीरियर की ओर एंड देखते हैं कि आगे क्या निकल नेक्स्ट करे गए हैं। टाटा है कि अगर मैं फ्रंट डोर की बात कर लूँ एंड आई ओपन दिस डोर नाउ, सो द डोर ओपन्स वेरी डिसेंट वाइड इनफ। आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा अलॉन्ग विद द लाइट एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस डोर पैनल, सो इट इज वेरी वेल पुट अप टुगेदर। आपको यहाँ पे भी लेदर ट्रीटमेंट जरूर दे दिया गया है। एंड अगेन अगर गाड़ी में मैं सीट्स की ओर चलता हूँ तो इस सीट के अंदर आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वाला अगेन आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगा। योर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर एंड आपको यहाँ पे भी ब्लैक लेदर ट्रीटमेंट दिया गया है अलॉन्ग विद दिस ब्राउन स्टिचिंग विच आई रियली लव। जिस इस गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड क्लोज द डोर, द कार इज समवॉट आइडेंटिकल टू द टाटा सफारी। कोई भी चीज इस गाड़ी के अंदर नहीं करेंगे, इट्स जस्ट द साइज बिटवीन बोथ द कार। जैसी ये गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ द कार इट्स अ वेरी वेल टुगेदर। आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन मिल जाती है एंड यू डू गेट एंड आप
एंड आपको ये गाड़ी बता देगी कि अब गाड़ी में फ्यूल लेवल लो है या नहीं है. अगेन वॉइस असिस्ट के अंदर आपको मिल जाता है, यू डू गेट दिस वेरी कूल एमिंग लाइटिंग ओवर हेयर टू. इफ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, सो दिस डस कम विद द टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर एट द सेम टाइम. अगर क्रूज कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट बटन यहाँ पे लोकेटेड है एंड दिस लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम एट द सेम टाइम. इफ आई टॉक अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो दिस इज वेरी स्मूथ एंड वेरी क्लीन एट द सेम टाइम. एंड उसका UI है वो बहुत ही प्यारा है. अगर इस गाड़ी के मैं कैमरे की बात कर लेता हूँ तो द कैमरा हैज दिस HD क्वालिटी एंड आई रियली रियली लव इट. मुझे पूरा का पूरा एंगल दिखा है, वेदर इट इज 360 degree कैमरा और द रिवर्स कैमरा, एंड इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर. अगेन आपको यहाँ पे भी वुडन टाइप फिनिशिंग मिल जाती है, बट अगेन इट इज़ वेरी वेरी प्लास्टिक. स्टेयरिंग व्हील के अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फंक्शन दे दिए गए, एंड आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं, बट इट इज़ अगेन वेरी वेरी प्लास्टिक एट द सेम टाइम. सो उसकी जो टच एंड फीडबैक है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा फॉर द पेडल शिफ्टर. अगेन इफ यू टॉक अबाउट द सेंटर पैनल, इट इज़ वेरी वेल पुट अप टुगेदर. आपको यहाँ पे 45 watt का एंड USB 8 टाइप का सॉकेट मिल जाता है, विच इज सेम एज द टाटा सफारी. एंड जो ये वाले नॉब्स जो हैं ये भी टाटा सफारी से ही बिल्कुल आइडेंटिकल होते हुए हैं. आप यहाँ पे जूम मोड एंड इको मोड भी जा सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो नॉब अराउंड द नॉर्मल मोड, ड्रेन मोड एंड द मड मोड एट द सेम टाइम. जिसका नॉब है वो अगेन लैंड रोवर रेंज रोवर से ले लिया गया है, एंड यू ऑल्सो गेट 2.5 कप होल्डर्स ओवर हेयर टू. इफ वी टॉक अबाउट दिस आमरेस, सो जो उसकी क्वालिटी है मुझे थोड़ी सी चीप लगी टू बी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक जो बाहर मिलते हैं वो थोड़े अच्छे मिल जाते हैं. दे शुड हैव वर्क विद दिस, दैट इज़ वॉट आई थिंक. आपको यहाँ पर 12 volt का सॉकेट मिल जाता है, एंड USB 8 टाइप एंड USB C टाइप का भी सॉकेट दे दिया गया है. ग्लव बॉक्स के अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है, और आपको इसके अंदर एक लाइट भी मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी. आपको यहाँ पे भी फ्रंट में ट्विटर दे दिए गए हैं, आपको ट्विटर पीछे वाले डोर्स में भी मिल जाते हैं. इफ टॉक अबाउट दिस IRVM सब कुछ, यहाँ पे मैनुअल डिमिंग मिल जाएगी, विच इज़ अ लिटिल बिट सैड पार्ट बिकॉज यू आर पेइंग लाइक 26 lakh rupees ऑन रोड फॉर दिस पर्टिकुलर का. सो आपको यहाँ पे ऑटो वाला IRVM मिलना चाहिए था. आपको इस गाड़ी में इधर व्हाइट लाइट भी मिल जाती है, एंड इफ टॉक अबाउट दिस ब्लाइंड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. बट इफ टॉक अबाउट दिस ब्लाइंड ऑल्सो, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा. सो अगेन जो पैसेंजर प्रिंसेस है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने वाली है, बिकॉज उसको यहाँ पे किसी भी तरीके का मिरर और लाइट इस गाड़ी में मिलती हुई नहीं दिखेगी. उसके लिए आपको सफारी का एडवेंचर प्लस लेना पड़ेगा, डैट इज वॉट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू स्पेंड सम एक्स्ट्रा मनी आउट ऑफ योर पॉकेट. इफ टॉक अबाउट द ए पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द बी पिलर, सो वो थोड़े से चौड़े तो हैं, बट अगेन सिंस दिस कार इज इक्विप्ड विद द 360 degree कैमरा, सो आपको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एंड माई सीट इज वेरी वेरी डाउन, एंड जिसका अंडर टायर सपोर्ट है वो भी बहुत प्यारा है, एंड वेरी वेल हक टू द सीट, एंड आई कैन लिटरली सी द हुड ऑफ दिस कार, विच इज अ वेरी वेरी कूल पार्ट. सो मुझे एक SUV टाइप फील तो आ ही रही है. सो जरा चलिए चलते हैं हम इस गाड़ी के इंजन की ओर, एंड देखते हैं कि वहां पे टाटा ने क्या ट्वीक्स करे हैं, एंड वो इतना ज्यादा अच्छा है या नहीं. टाटा हैरियर के अंदर भी आपको टाटा सफारी के जैसे 170 क्रायोटेक मोटर मिल जाती है, विच कम्स विद द पावर ऑफ 167 DHP एंड अ टॉर्क ऑफ 350 Nm राइडर फ्रॉम द 1750 RPM इटसेल्फ. आपको इधर भी इंस्ट्रक्शन मिलती है जरूर दिख जाए. That is very much required because this is a diesel engine. That is a little bit on the noisier side. अगर इस गाड़ी में फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ तो आपको टाटा हैरियर के अंदर भी टाटा सफारी के जैसे 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है. अब मैं इसकी एवरेज की बात नहीं करूँगा बिकॉज दिस इज एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो थोड़ी सी एवरेज ये गाड़ी आपको कम देगी. बट सिंस यू स्पेंड 26 lakh rupees ऑन रोड फॉर दिस पर्टिकुलर कार, तो आपको एवरेज चिंता इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सो इफ इट कम टू द सेफ्टी पर्सपेक्टिव नाउ, सो दिस कार हैज द 6 airbags एज स्टैंडर्ड. एंड इफ टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, सो टाटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है, एंड मैं बहुत सारी वीडियो में इस बारे में बात कर चुका हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट, टाटा इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर बिल्ड क्वालिटी एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स ऑल्सो. सो इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, व्हेदर आई वुड बाय इट, कंसीडर इट और रिजेक्ट इट, इफ आई हैव टू गो विद द डीजल कार, आई वुड लव टू बाय दिस टाटा हैरियर एंड नॉट द टाटा सफारी. बिकॉज दोनों गाड़ी का इंजन सेम ही है, एंड जो सफारी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, सो ये वाली गाड़ी टॉप स्पीड में ज़्यादा अच्छी खींचेगी, एंड इसमें अगेन आपको एरोडायनामिक्स भी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सफारी इटसेल्फ. बट इफ आई एम अ पेट्रोल हेड, अगर मुझे पेट्रोल वाली गाड़ी ही चाहिए तो देर आर अदर ऑप्शन टू. बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम अ ह्यूज टाटा फैन बॉय एंड आई वुड लव टू गो फॉर दिस हैरियर एट द सेम टाइम. सो अगर आपको टाटा की ये वाली हैरियर या फिर वो वाली टिगोर या फिर ये वाली टियागो लेनी हो, यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट 2 knot टाटा मायापुरी. इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आपकी सारी सारी कोई चुटकियों में ही दूर कर देंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. अगर कोई भी कमेंट फीडबैक आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में डालिएगा. मैं फिर से कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके मिल दें. पीस.